Now we will start our class. So here I want to share something book. We will share our book with you. Now here page number. Just you keep out page number 52. Here is page number 52 of your book. Nikaliye. Page number 52. Yes, ma'am. Mummy, this is over. This is over. Have you opened? Yes, ma'am. Open. Here, bachcho, Ghibli and the Grains. Aunt Ghibli has to reach the grains. She is looking for the shortest road. ये aunt है, इसको grain तक जाना है यहाँ तक. Can you tell her which is the shortest? अब ये road है, देखिए यहाँ पे उसके लिए road बना हुआ है ये. एक road ये जा रही है. यहाँ से वो ऐसे जाएगी, देखिए उसको यहाँ पे जाना है, आंट को यहाँ से यहाँ जाना है. तो अब उसकी रोड कौन है? रोड ए. रोड ए है ऐसे जाएगी, ऐसे देन 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 ये वाला, ठीक है. नाउ रोड बी. रोड बी में वो ऐसे स्टार्ट करेगी, ही विल गो लाइक दैट, ऐसे ऐसे ऐसे, ओके. नाउ रोड सी. रोड सी इज लाइक दैट एंड रोड डी ये है. नाउ क्वेश्चन इज Can you draw? अब क्वेश्चन क्या है? You listen it here. See, can you draw a road shorter than this? What is the length of that road? क्या आप कोई उसके लिए ऐसी रोड बना सकते हो जो इन सबसे छोटी होगी? Yes or no? Tell me. Yes or no? बना सकते हो? Can you make? तो हम ऐसे सीधा draw कर सकते ना एक road ऐसे, यहाँ से सीधा वो ऐसे. Good morning, ma'am. ऐसे वो ऐसे ही चली जाएगी ना, बिल्कुल सीधे ऐसे चली जाएगी, स्ट्रेट. शी कैन गो, जा सकती है ना हम. हाँ तो आंसर क्या लिखेंगे? यस. कैन यू ड्रॉ? तो हियर वी विल राइट यस. यस वी कांट राइट प्रॉपरली, सो यू विल राइट हियर यस. यस ही कैन मेक. और उसकी लेंथ क्या होगी अगर वो ऐसे सीधा स्ट्रेट जाती है? ऐसे ऐसे सीधा स्ट्रेट. वट इज द लेंथ? इट विल बी 10 or 15 सेंटीमीटर. क्योंकि स्मॉल है आंट तो स्मॉल होती है, तो उसकी लेंथ क्या होगी इस रोड की? कितनी लॉन्ग होगी ये? 10 or 15 सेंटीमीटर है ना. तो हम एक छोटी रोड बना सकते हैं ना डायरेक्ट जो वहां पे जाएगी. कैन बी मेक चिल्ड्रन गिव मी आंसर. यस हाँ. कैन बी ड्रो? यस वी कैन ड्रो शॉर्टेस्ट रूट फॉर द आंट. आंट के लिए हम छोटा रास्ता एक बना सकते हैं. Now, here, how long is a meter? एक मीटर कितना लॉन्ग होता है? तो yesterday मैम ने आपको क्लास में दिखाया था ना मेजरमेंट. मेजरमेंट में मेजरमेंट दिखाई थी ना मैम आपको? Yes, ma'am. This one, this show, I show to you this measurement tape. मेजरमेंट टेप दिखाया था ना मैम ने. तो जब हम 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर हमारा कितना था? एयर. एयर इज 1 मीटर. कैसे मेजर करेंगे? यू कैन सी बोर्ड दिख रहा है बच्चों? अब देखिए हमको 1 मीटर लाइन के लिए वी विल कीप इट हियर. दिस इज हियर 100 तक जाएंगे. एयर इज 100. देखिए देखो 1 मीटर की लाइन, दिस इज द 1 मीटर लाइन ये, ठीक है ना. ये कितना लॉन्ग हो गया? 1 मीटर है ना. अब 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने थे? जो छोटा छोटा पार्ट आएगा स्केल में आप अपना बुक में देख सकते हो. ये सब सेंटीमीटर बना हुआ है ना आपकी बुक में? ये देखिए, ये देखिए, ये सेंटीमीटर, ये 1 से यहाँ पे जाएंगे, ये 1 से 2, 2 से 3, ये सेंटीमीटर है. अब जब हमने 1 मीटर मेजर किया तो हाउ मेनी सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर मिलकर 1 मीटर बनाएंगे? कितने मिलकर बनाएंगे बच्चों? मैम ने बताया था ना पिछली क्लास में 100 ना, 100 सेंटीमीटर. 100 सेंटीमीटर विल मेक 1 मीटर. सो वी विल राइट 100 सेंटीमीटर इक्वल 1 मीटर. मीन्स 100 सेंटीमीटर में कितना? 1 मीटर, ठीक है. और यह हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 मीटर इक्वल
100 सेंटीमीटर. दोनों राइट है ना, हमने इसको चेंज कर दिया है. बोथ द वे इज राइट. आंसर करिए. देखिए या तो हम लिख रहे हैं 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर. हाँ आवाज आ रही है? नहीं आवाज आ रहा मैम का? देखिए यहाँ पर, हाँ देखिए यहाँ पर देखिए आप, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. या तो हम ऐसा लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर इक्वल 1 मीटर. ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बोथ आर द सेम. आप अपने यहाँ पे देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, मतलब 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर, या 100 सेंटीमीटर मिलकर कितना मीटर बनाते हैं 1 मीटर. तो बोथ द थिंग्स आर सेम, दोनों चीजें एक ही है ना. सो हेयर, अब यू कैन सी हेयर चिल्ड्रन, ये देखिए यहाँ पर 2 children, 1 girl and 1 boy. अब ये क्या बोल रहा है बॉय? आई वॉन्ट टू मेक ए लॉन्ग कुर्ता. टेलर से, शॉपकीपर से पूछ रहे हैं मुझे एक लॉन्ग कुर्ता बनाना है. तो वो क्या बोल रहे हैं, टेक 2 मीटर क्लॉथ. 2 मीटर क्लॉथ आपको लेना है. तो सेंटीमीटर में कितना सेंटीमीटर उसको लेना चाहिए? वो क्या बोल रहा है शॉपकीपर? 200 क्या सेंटीमीटर ना? 100 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर इक्वल टू 100 into 2. 100 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से, है ना? 200 सेंटीमीटर. ना अब वो गर्ल बोल रही है, एंड हाउ मेनी मीटर्स फॉर ए लॉन्ग स्कर्ट फॉर वी. अब मेरे को कितना लगेगा, मुझे भी एक लॉन्ग स्कर्ट बनवानी है. देन हाउ मीटर्स विल आई नीड, मुझे कितने की जरूरत होगी? देन ही सेइंग यू नीड 3 मीटर. अब वो बोल रहा है कि गर्ल को कि आपको 3 मीटर चाहिए. 3 मीटर मीन्स हाउ मेनी सेंटीमीटर, हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 3 मीटर? 300 आ गया ना, 300 सेंटीमीटर. दैट मीन्स बॉय नीडेड, बॉय को चाहिए 200 सेंटीमीटर और गर्ल को चाहिए 300 सेंटीमीटर. 300 सेंटीमीटर मीन्स 3 मीटर. शानवी समझ आ रहा है? 300 मीटर, 300 सेंटीमीटर में 3 मीटर. ओके, नाउ लेट अस मेक ए मीटर रोप. अब आपको एक मीटर रोप बनाना है अपने घर पर. कैसे बनाओगे इसको? सपोज आपके मम्मा के पास एक इंची टेप होगा, मेजरिंग टेप होगा मम्मा के पास होगा आपके, तो आप एक रोप रस्सी लोगे एक छोटी सी नायलोन की, और उसको एक नोट लगा दोगे उस रस्सी में, गांठ लगाओगे पहले. देन अब उसको 100 सेंटीमीटर तक जाओगे. यहाँ पर 100 लिखा होगा. Here is 100. You can see here is 100. 100 देख पा रहे हो बच्चों? 100 सेंटीमीटर. तो आप इतना लंबा एक, हाँ इतना लंबा एक, अब एक नोट यहाँ पे लगा लोगे, गांठ एक यहाँ पे शुरुआत में लगाओगे और एक यहाँ पे लगा लोगे इस रस्सी में. तो आपका मेजरमेंट टेप तैयार हो जाएगा 1 मीटर का, है ना? 1 मीटर एक रस्सी ऐसे आपने बना लिया, तो 1 मीटर का आपका मेजरमेंट रेडी हो गया. ओके, Now you must have seen shopkeepers measuring cloth with a measure rope. अब आप कभी मार्केट में जाते हो क्लॉथ की शॉप पर, क्लॉथ लेने गए हो मम्मी पापा के साथ? Have you gone to market? तो वहां पे आपने देखा होगा जो शॉपकीपर होता है ना, कभी कभी वो आयरन रोड जैसे रखता है, आयरन का लंबा सा रखता है ना, लोहे की स्केल जैसे लॉन्ग जैसे होती है, तो उसी से वो मेजर, हाँ उससे मेजर करता है वो क्लॉथ. तो उसपे मीटर सेंटीमीटर इंच इंच के निशान बने होते हैं. तो इसी तरह से ये बच्चे भी यहाँ पर अपना मेजरिंग रोप तैयार कर रहे हैं. यूज ए मीटर रोड एंड ए रोप. या तो आप रोप बना सकते हो, रोप मीन रस्सी में नोट लगाकर. तो ये एक्टिविटी है आपको करना है, देख सकते हो. यू कैन डू एट इट होम. मेक ए नोट एट वन एंड ऑन द रोप. एक तरफ नोट पे नोट लगाइए रोप के ऊपर. Mark 1 meter on the rope and make a knot there. अब 1 meter जब वो लंबी रस्सी मिल जाएगी, excuse me ma'am, अपना knot लगा दो. Yes, tell बेटा, बोलिए. कौन बोल रहा है बच्चा? बोलो. Who is asking? Ma'am, Tanishka can't read नहीं आ रही. What? Morning. हाँ बोलिए. हाँ बोलो.
Good morning. Morning, morning, बोलिए. मैम आपकी फोटो नहीं आ रही. हाँ? आपकी फोटो नहीं आ रही मैम. मेरी फोटो नहीं आ रही है? आ गई. छोटी पे आप कंप्यूटर दी इसके कंप्यूटर पे था ना तो कंप्यूटर पे आप दिखाई देती इसलिए. नहीं ऊपर दिख रही हो ना यहाँ पे दिख रही हो ना छोटे छोटे यहाँ पे यहाँ दिख रहे हो ना. हाँ ये स्क्रीन दिख रहा है ना बच्चों बड़ा अभी स्क्रीन दिख रहा है. ओके तो ये एक्टिविटी है. अब देखिए यहाँ पर गेस एंड चेक एक्टिविटी वन. मैम कौन सी रस्सी लेना है? कोई आपके घर में छोटी सी नायलॉन की रस्सी होगी ना. नायलॉन की रस्सी छोटी कोई कपड़े सुखाते हैं ना नायलॉन की रस्सी. या मम्मी से कोई आप वो भी ले सकते हो वूलन वूलन थ्रेड ऊन का धागा भी ले सकते हो. मोटी वाली ऊन आती है ना वूलन थ्रेड वो भी आप ले सकते हो. ठीक है तो उसमें क्या करना है फाइंड सम थिंग्स दैट लुक वन मीटर. अभी एक्टिविटी आपको घर पे करना है. देखिए ये वाली यूज मीटर रोप फाइंड विच ऑफ दीज थिंग्स आर मोर देन मोर और लेस देन वन. कौन सी चीजें वन मीटर से ज्यादा है और कौन सी कम है. तो आपको क्या मेजर करना है लेंथ ऑफ ए टेबल. यहाँ पे देख पा रहे हैं ये मैम यहाँ पे रीड कर रही है ये वाला. आपके घर में टेबल होगी तो आप टेबल को मेजर करिए कि उसकी लेंथ कितना है कितनी लंबी है वन मीटर है या वन मीटर से कम है. तो अगर वन मीटर है वन मीटर से ज्यादा है तो यू विल राइट हियर. आपको यहाँ लिखना पड़ेगा इट इज लेस मोर देन वन मीटर. और अगर कम है तो आप लिखोगे लेस देन वन मीटर. ठीक है ना. विड्थ ऑफ टेबल विड्थ ऑफ डोर. विड्थ मीन्स अब आप देखिए मैं बताती हूँ विड्थ क्या है. सपोज ये आपका ये डोर है. ठीक है बच्चों ये आपका डोर है. डोर ऐसे ही होता है ना. तो इसका लेंथ बच्चों हाँ या ना आंसर करिए. आर यू एबल टू लिसनिंग मी. आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस मैम. हाँ तो देखिए अब इसकी लेंथ कैसे मेजर करेंगे. ये इसकी लेंथ है ये वाली. ऐसे लेंथ आपका डोर कितना लंबा है और विड्थ क्या है बच्चों ये वाली ये कितना चौड़ा है दरवाजा ये यहाँ पे ये विड्थ हो जाएगी. ठीक है विड्थ मीन्स कितना चौड़ा है और कितना लेंथ मीन्स कितना लंबा कितना ऊंचा दरवाजा है आपका. ठीक है ना. एक्टिविटी फोर. ये ईवीएस बेटा मैथ की क्लास होती है ना. यू डोंट नो ये मैथ की मैथ थर्ड. आप किस क्लास से जुड़े हो ना. सेकंड क्लास. नो 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 क्लास थर्ड है बेटा. ये क्लास थर्ड स्टार्ट हो गई. सेकंड थोड़ी अब क्लास थर्ड स्टार्ट है. आप लीव कर दो लीव करिए आप ना. अब पेज नंबर 55 कीप आउट पेज नंबर 55 अपनी बुक का 55 निकालिए ना. दिस इज द एक्टिविटी. दिस ऑल्सो अगेन एक्टिविटी. इफ यू विल इन स्कूल अगर आप स्कूल में होते तो देन वी विल परफॉर्म दिस. अब आप तो स्कूल में हो नहीं बच्चों तो यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड. आपके फ्रेंड होंगे ना आपके आसपास तो ये एक्टिविटी क्या है ना कई सारे बच्चों के लिए. जैसे आपके फ्रेंड है सपोज यहाँ पे आपको नेम लिखना है. जैसे यहाँ पे हो गया उत्कर्ष हो जाता है यहाँ शानवी यहाँ दीपांशी देन समृद्धि देन अवनी. अब नेम लिखते अब उनको टॉलर कितने ऊंचे हैं कितनी हाइट है उनकी हाइट हम मेजरिंग टेप से मेजर करते और उनका लिखते लेस देन वन मीटर. वन मीटर से कितना कम है या वन मीटर से कितने ज्यादा है वो हमको यहाँ पे नोट करना था. बट नाउ अब आप चलिए हेयर पेज नंबर 56 कम ऑन पेज नंबर 56 पर आइए. नाउ लिसन वन थिंग क्लियरली. स्मॉल मेजरमेंट होता है जब छोटा सा मेजरमेंट होता है जब हमको सपोज अच्छा ये बताइए जब हम बोर्ड को मेजर करेंगे. सपोज आपको ये बोर्ड मेजर करना है तो हम किससे मेजर करेंगे मीटर में के सेंटीमीटर से बताइए. मीटर या सेंटीमीटर किससे हम मेजर करेंगे. मीटर मीटर से करेंगे क्योंकि सेंटीमीटर से करने में हमको बहुत टाइम लगेगा. सेंटीमीटर से करेंगे तो जो छोटे स्मॉल लेंथ होती है ना छोटी छोटी लेंथ वो हम किससे मेजर करते हैं
सेंटीमीटर से। और जैसे हमारा डोर कितना लंबा है या आपकी टेबल कितनी है, हमारा ग्रीन बोर्ड कितना लॉन्ग है, तो वो हम मीटर से मेजर करते हैं। किससे करते हैं बच्चों? मीटर से, है ना। और अब देखिए, जैसे आप करवी में रहते हो, सपोज आप करवी में रहते हो और यहाँ स्कूल आते, तो हम उस डिस्टेंस को किससे मेजर करेंगे? किलोमीटर। किलोमीटर का नाम सुना है ना आपने? किलोमीटर, हाँ। तो किससे मीटर? जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है, जिस अब मीटर से इतना लंबा डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे तो हमको बहुत टाइम लगेगा, तो हम किससे मेजर करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस को? किलोमीटर से। और सबसे छोटा वाला करेंगे सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, विच ऑफ दीज विल बी इन सेंटीमीटर एंड विच विल बी इन मीटर। कौन सा मीटर में होगा और कौन सा लेंथ सेंटीमीटर में होगा? तो हेयर आप अपनी नोटबुक में करते चलिए। अब विड्थ ऑफ ए कंप्यूटर स्क्रीन, बताइए ये कितना, ये किसमें हम करेंगे बच्चे, इसको नापेंगे किसमें, मेजर करेंगे, बताइए किसमें करेंगे? सेंटीमीटर में करेंगे ना, क्योंकि आपका कंप्यूटर की स्क्रीन तो स्मॉल होती है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर। यू राइट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख लीजिए। हाँ ठीक है। नाउ हियर, लेंथ ऑफ ए पगड़ी वॉर्न बाय सिख, जो सिख होते हैं ना, आपने सिख देखे ना, सिख लोग जो पगड़ी पहनते हैं, सरदार लोग, देखा है? देखा है क्या बच्चों? मैम जो पगड़ी पहनते हैं वो किसमें मेजर होती है? हाँ बोले मैम, जो आपने सेंटीमीटर लिखा है उसको बुक ही में राइट करना है। हाँ, बुक में कर लीजिए, बुक में कर लीजिए। और जो देखिए लेंथ ऑफ पगड़ी, पगड़ी की लेंथ किसमें हम करेंगे मेजर? मीटर्स में। किसमें करेंगे बच्चों? मीटर्स में। अब हाइट ऑफ वन ईयर चाइल्ड, अब एक साल का बच्चा तो वन मीटर लॉन्ग नहीं होगा, तो उसकी हाइट को हम किसमें करेंगे? सेंटीमीटर। किसमें करेंगे बच्चों? सेंटीमीटर। हाँ, अब लेंथ ऑफ ए बनाना, बनाना किसे मेजर करोगे बताइए? बनाना सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में होगा बनाना। अगेन सेंटीमीटर लिखिए, सीएम भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर के लिए वी कैन राइट सीएम। नाउ हियर, वेट ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट की वेट कितना? एलिफेंट की वेट ये देखिए यहाँ पे, अब हम यहाँ पे आ रहे हैं, वेट ऑफ ए एलिफेंट दिस वन किसमें मेजर होगी बेटा? उसकी वेट, कमर, एलिफेंट की कमर तो ज्यादा होगी, तो वी विल मेजर इन मीटर, मीटर ठीक है। हाइट ऑफ ए सुगर केन, सुगर केन को किसमें करेंगे? सुगर केन सेंटीमीटर ठीक है। डेप्थ ऑफ ए वॉल, वॉल की डेप्थ किसमें करेंगे? कुआ, कुआ कितना गहरा है, कितना उसमें गहराई है, तो इट विल बी मीटर, मीटर। नाउ हाइट ऑफ योर मदर, मदर की हाइट हम करेंगे सेंटीमीटर में, मदर मतलब मीटर और सेंटीमीटर दोनों में हो जाएगी, तो मीटर एंड सेंटीमीटर, तो इट विल मीटर। एंड सेंटीमीटर है ना, मतलब मीटर, वन मीटर सपोज 152 सेंटीमीटर हुआ, सपोज हाइट की, उनकी मदर की हाइट हुई 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर मदर की हाइट सपोज इतनी है, तो इसमें क्या हुआ बच्चों? तो ये क्या हो जाएगी, 1 मीटर प्लस 52 सेंटीमीटर है ना। तो अगर हम इसको अलग अलग करके देखेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट क्लास में, हाउ कैन वी चेंज सेंटीमीटर को मीटर और सेंटीमीटर में कैसे चेंज करना होता है। सो हियर यू कैन सी नाउ दिस वन, डिस्टेंस फ्रॉम क्लासरूम टू स्कूल गेट, क्लासरूम से स्कूल का गेट, तो मीटर में होगा कि सेंटीमीटर में होगा बताइए?
Give the answer. Give the answer. किसमें होगा? मीटर में होगा ना. आप अपने क्लासरूम से निकलकर स्कूल के गेट पर जाते हो तो उसको सेंटीमीटर में तो मेजर नहीं करेंगे, उसको मीटर में करेंगे कि किलोमीटर में करेंगे बताइए? किलोमीटर में लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते हैं. मीटर से. हाँ. मीटर. आप देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ योर फादर आर्म, उसके फादर का आर्म मीन्स हाथ कितना, वो किसमें होगा शाम में बताइए? वो क्या रहा यार, किसमें करेंगे बताइए? फादर का आर्म किसमें मेजर करोगे? हाथ अपने कान में. आपके फादर का हैंड किसमें आप करोगे बच्चों बताइए? सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में करेंगे ना, मीटर तो नहीं होता ना, एक मीटर लॉन्ग हैंड नहीं होगा ना. तो ना ये क्लियर हुआ ना आपको कौन सा हम मीटर में करेंगे और कौन सा सेंटीमीटर में करेंगे? ठीक है ना मैम? मैम मुझे लास्ट वाला समझ नहीं आया. कौन सा वाला? फादर वाला. लास्ट वाला. फादर वाला ना, फादर आर्म, फादर का हैंड. देखिए मतलब ये देखिए आर्म्स में, यहाँ देखिए ये वाला हाथ, ये हाथ यहाँ से लेकर ये कितना लॉन्ग है, तो ये वन मीटर से तो कम ही होगा ना, ये पूरा लेंथ फादर का. तो किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर में. सेंटीमीटर में ना. बाकी क्लियर? क्लियर? क्लियर बच्चों? सेंटीमीटर. क्लियर? ओके. नाउ ट्रिप ट्रिप टू आगरा, देयर इज अ पिकनिक. मैरी एंड बाईचुंग आर गोइंग विद देयर फैमिली टू आगरा. अपनी फैमिली के साथ दे आर गोइंग टू आगरा. दे गेट डाउन एट आगरा कैंट. वो कहाँ उतरे? आगरा कैंट. आगरा कैंट रेलवे स्टेशन का नेम है. रेलवे स्टेशन एंड टेक ए रिक्शा. उन्होंने वहां से एक रिक्शा लिया. आई एम रीडिंग हियर. यहाँ से रेलवे स्टेशन एंड टेक ए रिक्शा टू ताजमहल. आगरा में ताजमहल है ना, वो ताजमहल गए. आफ्टर थ्री आवर्स दे स्टार्ट फॉर आगरा फोर्ट. थ्री आवर्स के बाद उन्होंने आगरा के लिए स्टार्ट की. आगरा फोर्ट, लाल किला, आगरा का लाल किला देखने जाना है. अगेन इन ए रिक्शो, फिर से एक रिक्शा लिया. इन द आफ्टरनून दे टेक ए बस टू गोदा फतेहपुर सीकरी. अब फिर उसके बाद वो फतेहपुर सीकरी गए. तो हेयर यू कैन सी चिल्ड्रन दिस वन. अब ये मैं अगर आपको अगली क्लास में थोड़ा चेंज करूंगी, अभी आप थोड़ा ऊपर देखिए मैम, वहां पे कुछ आपको बोर्ड पे बताने वाली है. सो हियर यहाँ पर देखिए, जस्ट आई मेक ए अबेकस. अबेकस मीन्स एक, ये देख लीजिए वो आपको करना है. मैं एक वर्कशीट दूंगी आपको, ये करना है. हाउ कैन वी रीड द नंबर और हाउ कैन वी शो द नंबर ऑन अबेकस. अबेकस पे हम नंबर कैसे शो कर सकते हैं? So here you can see what number I written here. 1, 2, 3, 4. Four digit number मैंने लिखा हुआ है here. You can see it means 1, 10, 100, 1000. 1000 तक number है. Four place. So here these are the abacus. ये abacus बनाया हुआ है. और here 1, ये 1st वाली line. This is the 10th वाली line. And 100 line. This is the 1000 line. Then you have to show this number. आपको क्या करना है बच्चों, बोर्ड पर देखिए, सारे बच्चे वहां पर देखिए. आपको ये नंबर है ना बीट्स के, उसमें कहां शो करने हैं? एबेकस के ऊपर शो करना है. तो वंस वंस प्लेस पर क्या है नंबर बच्चों? वंस प्लेस पर क्या लिखा है? वन नंबर इज रिटन ऑन वंस प्लेस. वन फोर. सो वी विल मेक, हाँ सो वी विल मेक हियर फोर बीट्स. 1, 2, 3 and 4. ओके वंस प्लेस. Then what number is on 10th place? 10th place में क्या number है? 3. So we will make here 3. 1, 2, 3. Then we will make 3 base on 10th place. Now 100th place, what number is on 100th place? 8. So we will, so how many beats? How many beats we will make it here? कितना beats बनाएंगे? 8. 8 बनाएंगे ना? So here 1, 2,
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट. एट भी ना थाउजेंड प्लेस. व्हाट नंबर ऑन थाउजेंड प्लेस? सिक्स. सो वी विल मेक सिक्स भी. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. तो ऐसे आप अगर आपको नंबर दे दिए जाए तो कैन यू शो ऑन द अबेकस? आप अबेकस पे शो कर सकते हो नंबर? यस मैम. नाउ डाउन साइड हियर. अब मैम ने यहाँ पर अबेकस बनाया हुआ है. हियर यू कैन सी इधर मैम ने अबेकस बनाया हुआ है. अब आपको नंबर लिखना है. तो देखिए कौन सा प्लेस है. वन प्लेस पर कितने बीच बने हुए हैं बच्चों? वन प्लेस पर ये वन लिखा है. वन टू थ्री फोर. फोर है ना. देखिए वन टू थ्री. तो वी विल राइट हियर. इधर लिख लेते हैं वन हंड्रेड थाउजेंड. तो हाउ मेनी वन? फोर. ठीक है ना. हाउ मेनी बीच ऑन टेंथ प्लेस? टेंथ प्लेस पर कितना बीच है? One only. So one. We will write here one. Only one. Now 100 place for? Place for how many beats? Two. So we will write here two. Now 1000? Three. So we will write here three. So देखिए अभी इसको read कैसे करोगे? Three क्या है? Three thousand. 214. क्या नंबर है? 14. थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड. टू के बाद कितना? हंड्रेड. टू कितने? हंड्रेड. टू हंड्रेड फोर्टीन. थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टीन. ओके. नाउ नेक्स्ट नंबर. नेक्स्ट नंबर रीड करिए मैम के साथ थोड़ा. मैम स्क्रीन नहीं आ रही है. ना अभी आ रही है? यस मैम आ रही है. मैम नो मैम. अरे किसी को नहीं आ रही. सानवी आपको स्क्रीन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. तनिष्का आपको दिख रहा है? इससे दिखाई दे रहा है? यस मैम. दीपांशी लक्ष्मी आपको दिखाई दे रहा है? बच्चों नहीं दिखाई दे रहा. मैम किसी को नहीं दिख रहा है? किसी को नहीं दिख रहा है? दिखाई दे रहा है. किसी बच्चे को नहीं दिख रहा है बेटा? यहाँ से दिख रहा है. यहाँ से तो कुछ नहीं किया गया. ऑन है वीडियो मेरा. अब देखिए यहाँ पर सपोज मैंने एक नंबर नोट किया. देखिए एक. मैम नहीं दिखाई दे रहा. मैम आ रही हूँ मैं. क्या मैम? मुझे दिखाई दे रहा है. किसको दे रहा है? मैम मुझे भी. अपना नेम बोलो. किस बच्चे को दिख रहा है? नेम बोलिए. किसको दिख रहा है? तो अगर अगर एक को भी बच्चे को दिख रहा है ना बच्चों, तो फिर सबको दिखेगा. आपका कोई प्रॉब्लम होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम इश्यू हो सकता है. अगर एक बच्चे को भी मैम का स्क्रीन दिख रहा है तो इट मीन सबको दिखेगा. ठीक है. अब देखिए मैंने एक नंबर. हाँ अब एक नंबर नोट किया है मैंने. यहाँ पर दिखाई दे रहा. अब मैं क्या करूं बेटा? बाकी को तो दिख रहा है. आप अपना फिर से ऑन कर लीजिए. वीडियो ऑफ तो नहीं कर दिया आपने? मेरा वीडियो ऑफ कर दिया मैम का? नो. अब देखिए यहाँ पे वन टेन प्लेसिंग कर देते हैं. हंड्रेड थाउजेंड और टेन थाउजेंड हमने प्लेसिंग कर दिया है. नंबर को रीड करना है. रीड करना है ना नंबर? Yes. तो हाउ कैन वी रीड? अब देखिए ये जो वन पीरियड होता है, वन में थ्री नंबर होते हैं. वन में थ्री नंबर्स होते हैं. ओके. तो आप बेटा रिकॉर्डिंग देख लेना. व्हेन आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग है ना. अभी मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा. इसमें मेरा तो वीडियो ऑन है. मैम का वीडियो ऑन है. रिकॉर्डिंग देख. अरे तो मैं बोल रही ना, बाद में देख लेना बेटा. आप फिर से
फिर से ज्वाइन कर लो मीटिंग, फिर से ज्वाइन कर लो, उसको लीव करो, फिर से ज्वाइन कर लो मीटिंग, फिर से ज्वाइन करिए। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे टू नंबर है, ये थाउजेंड पीरियड है ना। अब ये क्या नंबर है बच्चों? 89। व्हाट नंबर इज 89? यहाँ पे स्मॉलर स्मॉलर नंबर रीड करिए। चलिए स्मॉलर नंबर रीड कराते हैं। द वन नंबर 1, 10, 100, देन 1000। Who's beating the drum? Now, अब देखिए 8 किस प्लेस पर लिखा हुआ है बच्चों? 8 किस प्लेस पर है? 1000 है ना? It means 8000. 9 क्या है? 100 and 37. 8937. ठीक है, अब नेक्स्ट, अब नेक्स्ट नंबर रीड करिए। व्हाट नंबर इज रिटन? रीड करिए 9,833 है ना। सो अभी देखिए मैं आपको और नंबर दिखाती हूँ, so you will read it. आपको कुछ दिख रहा है बच्चे स्क्रीन के ऊपर? नो मैम, कुछ नहीं। व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना? व्हाइट व्हाइट, यस मैम। हाँ, तो अब देखिए मैं नंबर, हाँ नंबर नहीं दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ दिखा, कुछ लिखा हुआ है मैम ने? नंबर लिखे दिखे नंबर? यस मैम, 5000। हाँ रीड करिए, रीड नंबर। 5678 नाउ नेक्स्ट नंबर। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलिए मैम। मैम आप एक एक बच्चों से आप पूछिए, एक हाँ, साथ तो, नहीं बता पाएंगे। नहीं बेटा, बहुत टाइम लगेगा इस तरह से। आप आपको आना चाहिए। आप सुनिए यहाँ पर देखिए, आप अरे बेटा जिसको नहीं दिख रहा है ना वो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। आप अभी लीव कर दो मीटिंग, फिर से ज्वाइन करो, फिर से ज्वाइन करिए मीटिंग। अभी आप मीटिंग लीव करिए। रिकॉर्डिंग कहाँ से देखी जाती है? रिकॉर्डिंग यूट्यूब से। यूट्यूब पे मैं क्लास में डालती हूँ ना बच्चों रिकॉर्डिंग। आपका क्लास ग्रुप बना है ना, उसमें आप क्लिक करोगे तो आपको रिकॉर्डिंग दिख जाएगी। ठीक है, ठीक है बेटा, परेशान नहीं होना। जो रिकॉर्डिंग डालती है ना मैम, उसमें आप देख लेना। ठीक है, अभी परेशान नहीं हो। ओके, ना ये नंबर रीड करके बताइए। जस्ट रीड दिस नंबर, रीड दिस नंबर, रीड इट। 4,000 ना यू टेल, तनिष्का यू टेल, व्हाट नंबर इज रिटन हियर? 4,578 ना शानवी, शानवी रीड दिस नंबर, शानवी रीड दिस नंबर, वेयर शानवी? सी हैज गॉन, सी हैज गॉन। हाउ उत्कर्ष, चलिए नेक्स्ट क्लास वी विल मीट अगेन। अभी हमारा टाइम भी ओवर होने जा रहा है,